Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Nazreen. अच्छा, इस नए कानून की तब्दीली में अगर हम देखते हैं जो 25 मई को बनाया गया था, उसके हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स की तादाद वजारत ट्रांसपोर्ट की तरफ से दी गई है, उनकी म्याद को बढ़ा दिया गया है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की रिविजियोने है, कार्ते ताकीग्राफी के हैं, ट्रांसपोर्ट के जो लोग काम करते हैं उनके इजाजतनामे हैं, और इस तरह के और जो कागजात ट्रांसपोर्ट के शोबा से रिलेटेड हैं, वजारते ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनकी म्याद को बढ़ाया गया है। ये तमाम कागजात जो मैंने पहले आपको बताए हैं, जो कि 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के दरमियान खत्म होंगे या खत्म हो गए हैं, उनको जिस दिन से वो खत्म होंगे उस दिन से बढ़ाकर 10 महीने आगे कर दिया गया है। यानी वो उनकी मुद्दत जो है, जिस दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो रहा है उससे 10 महीने आगे वो वैलिड होगा, लेकिन ये 30 जून तक है, ये याद रखें। जुलाई में ये जिन लोगों के खत्म हो रहे हैं उन्हें अपनी रूटीन के हिसाब से रिन्यू करवाने होंगे अगर नया कानून नहीं आता तो। इसके बाद अगले सेशन की में देखते हैं कि एक नए कानून के मुताबिक इटालियन गवर्नमेंट ने वाजे किया है कि 1 मार्च से अदेंतिता डिजिटल है, जिसे कहा गया है, वो लाजमी होगा। गौर से सुने, यानी किसी किस्म के सरकारी जो आपने कागजात ऑनलाइन बनवाने हैं या भेजने हैं उनके लिए स्पीड आईडी जो है 1 मार्च से लाजमी होगी। इस स्पीड आईडी के जरिए जो भी आप कागजात, जिस तरह पहले अपने आपके पास एक पिन होती थी उसके जरिए आप डॉक्यूमेंट वगैरह कर लेते थे, लेकिन 1 मार्च से आप पिन नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी, आप स्पीड आईडी के जरिए डॉक्यूमेंट भेज भी सकेंगे, अपना दुमांदा चेक भी कर सकेंगे और प्रिंट भी कर सकेंगे। स्पीड आईडी आपके लिए लाजमी होगी, और इसमें सिर्फ एक छोटी सी गुंजाइश है, एजेंसिया दल इंतराते और फिस्को ऑनलाइन जो एक शोभा है, इनकी वेबसाइट पर 30 सितंबर तक आप पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम जितनी वेबसाइट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स सरकारी हैं उनके रिलेटेड आपको स्पीड आईडी लाजमी बनवानी होगी। स्पीड आईडी कोई इतनी मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों, स्पीड आईडी अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, अपना कर्ता इदेंतिता देते हैं और अपनी ईमेल एड्रेस देते हैं तो वो आपको बनाकर दे देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता उस पर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते, लाइन में नहीं लग सकते, किसी भी आप अपने करीबी ऑफिस में जाकर स्पीड आईडी बनवा सकते हैं। मैं आपको याद करवाता चलूं कि ये कल 1 मार्च से लाजमी हो गई है।